हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है A.P.S GAMING में। तो आज हम वापस आ गए हैं ट्रांसफॉर्म फोर्ज टू फाइट में। तो आज हम यहाँ पे गेम प्ले तो करेंगे लेकिन स्टोरी मोड का नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आ गए आज स्टोरी मोड में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हम गेम प्ले डाल रहे हैं वॉक थ्रो नहीं। तो हम यहाँ पे आज क्या करने का हमारा मूड है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे अरेना, जो कि मेरा अनलॉक। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि नया नया अरेना कैसा है, मतलब कि मुझे भी नहीं मालूम कि क्या होने वाला है उस अरेना में। तो देखते हैं कि उस अरेना में क्या होने वाला है। पहले यहाँ पे मेरे जो क्रिस्टल्स हैं हम उनको ले लेते हैं। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको ओपन। मैं दुआ ही कर रहा हूँ कि कुछ इसमें अच्छा ही मिले। ओ यहाँ पर बॉट मिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ नए बॉट्स मिले जो कि मूवियों के अंदर आए, तो जरा मतलब कि थोड़ा सा मस्त लगता है जो मूवी के अंदर का मिला होता है। ओ यहाँ पे हमें कुछ मधुमक्खी का छत्ता जैसा मिल गया, लेकिन ये हरे पदार्थ में है, तो मैं देखता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे लगता नहीं कि ये अभी मेरे कोई काम का है, मुझे लगता है कि जब हम बेस बना लेंगे, जब हम उसमें अपने ट्रूप लगा लेंगे, ट्रूप कह रहा हूँ कहते क्या है उन्हें, अपने ट्रांसफॉर्मर्स, ऑटोबॉट्स, डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर्स, तब मुझे लगता है कि इनका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अभी इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो चलो यहाँ पर मुझे गोल्ड मिला, क्योंकि मुझे अभी गोल्ड से ही अपग्रेड करना है इन सबको। मेरे पास गोल्ड की कमी नहीं होनी चाहिए, गोल्ड की उम्मीद कर रहा हूँ, और गोल्ड ही मिला जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड 600। चलो कुछ नहीं होता, मिल तो गया। तो चलिए मैं आपको अपने बॉट्स दिखा देता हूँ, मैं देखता हूँ, देखिए मेरे पास कौन कौन से बॉट्स हैं। मेरे पास वही पुराने, बस ये मेगाट्रॉनस मुझे एक नया मिला है, और मैं इसको अपग्रेड भी कर देता हूँ, देखता हूँ कितने का हो रहा है। ओ ये थोड़ा महंगा हो रहा है, क्योंकि ये 3 स्टार का है। मैंने वो खोला था, वो मैं आपको दिखाना भूल गया, मैं वो क्रेट खोली थी 3 to 5 स्टार वाली। ये यहाँ पे, अरे यार इसको हटा रास्ते से थोड़ा, वो हो जाता है कभी कभी ऐसी गलतियाँ। मेरा लेवल 2 का हो गया ये मेगाट्रॉनस। मैंने किसी से बोलते हुए सुना था कि ये बहुत तगड़ा चीज़ है मेगाट्रॉनस। तो ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अरेना, देखते हैं अरेना कैसा हो रहा है। मुझे लगता है डेंजरस वाटर्स, लगता है ये इवेंट चल रहा है। मैं इसमें तो अभी कर नहीं सकता, कमिंग सून ही। अच्छा मैं इसमें डेंजरस वाटर में एंटर करता हूँ। ठीक है मैं यहाँ पे अपने बॉट चूज़ करता हूँ, यही तीनों घाटक बॉट हैं, ये बोन क्रश और ये मेगाट्रॉनस ऑक्टिमस प्राइम से। ये जो ऑक्टिमस प्राइम है ये ट्रांसफॉर्म 1, 2, 3 वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है तो यहाँ पे अब हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सी टीम डालनी है, तो मैं यही, अच्छा इजी इजी मीडियम, ओह मैं तो इनमें कभी ध्यान ही नहीं देता था। ठीक है तो मैं यही कैमल वाला ही कोई करता हूँ, या फिर मैं इसको करूँ सॉरी ये स्कूल्स टोटल दो 2 स्टार। ठीक है मैंने ये रेजी स्कूल टोटल इसको कर दिया। चलो इसमें सारे 2 स्टार के, तो मैं यहाँ पे अपना मेगाट्रॉन, ओह अच्छा यहाँ पे ये जो जो जिसके काबिल है मैं उसको वहाँ वहाँ लगा देता हूँ। ठीक है उसके पास बैरिकेटो ग्रिंडर है। ठीक है तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है फाइट, उम्मीद है कि अच्छा ही हो। ठीक है यहाँ पे फाइट शुरू होगी ऑक्टिमस प्राइम, और यहाँ पे ये ग्रिंडर ने अपने मूव मारा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सबसे तगड़ा मेरे पास अभी ऑक्टिमस प्राइम ही है मेरा फेवरेट मूव। ओह निशाना चूक गया, ये गोलियों में ज़्यादा का निशानों में जल्दी बच ही जाता हूँ। ओह नो उसने अपना घातक मूव लगाया, मैं अपना नहीं लगा पाया। ओह पहले मिस, ओ इसने तो पूरी शील्ड बना ली, क्या बात है। अब आ रहा है थोड़ा मज़ा, जब दुश्मन हो दमदार तभी है फाइट में। दमदार अच्छा नहीं था ना, लेकिन उससे क्या मतलब। चलो यहाँ पर नेक्स्ट राउंड, अच्छा लगता है मुझे सीरीज जीतनी पड़ेगी। ठीक है तो मेरा बोन क्रशर वैसे बैरिकेड डार्क ऑफ द मून वाला है, ये मेरा रिवेंज ऑफ द फॉलिंग वाला बैरिकेड है। रुको मेरा रिवेंज ऑफ द फॉलिंग वाला बैरिकेड है, लेकिन तो बैरिकेड तो नहीं, बोन क्रशर सॉरी बोन क्रशर तो 1 में ही मर गया था कुमार। ना 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 तू में रहता है, पता नहीं मुझे याद नहीं है बच्चे, याद नहीं है मुझे। ठीक है तो वो मैंने अपने यहाँ पे स्पेशल मूव करके इस बैरिकेड किसी को खाद दिखा दी, और यहाँ पे मैं बिल्कुल छिपकली की तरह कूद रहा हूँ, बिल्कुल तगड़ा 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 फाइनल फाइट अप करना है। ठीक है तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या होता है। ओ यहाँ पे मेरे पास मेगाट्रॉनस वर्सेस शार्क टीटॉन, क्या नाम है इसका मुझे नहीं मालूम, शार्क टीटॉन। ओ हो ये तो बड़ा फुर्तीला मुझे लग रहा है, लेकिन ओ ये तो मेरे सारे मूव में पीछे जल्दी भाग गया था। ओ हो बाप रे, तो बड़ा चमीली है, मुझे तो ये चाहिए, मैं तो शार्क टीटॉन को अपग्रेड करूँगा, लेकिन इसकी लाइफ तो बहुत धीमे धीमे कम हो रही, लगता है मुकाबला बराबरी का होने वाला। स्पेशल मूव मार दिया,
तो यहाँ पे मैंने इसको ठोक ही दिया लगभग। ओ मैं भी शील्ड बना के, क्योंकि उसका स्पेशल मूव आ सकता है। ओ ये देखो पीछे से, ओ ये जब भागना चाहता है ये, लेकिन इससे नहीं बच पाएगा। बस बस हो गया ये शील्ड, मुझे लगता है ये मारेगा। उससे पहले मुझे अपना स्पेशल मूव शील्ड बना ली। बच गया मुझे बचना पड़ेगा ये कहीं भी अपना स्पेशल मूव मार के, ये हालत खराब कर सकते हैं। पर ये काला काला धुआं छूट रहा है, लगता है इसका अंत आ गया। लेकिन चलो पता नहीं चला कि ये कब खत्म हो गया, लेकिन खतरनाक टक्कर दी थी इसने। लगता है मैं ये सीरीज जीत गया। हम तो मतलब कि दोस्तों ये ऐसे ही होने वाला है कि हमें यहाँ पर अपने तीन बॉट्स को चूज करना है, फिर हमें रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए मुझे शाकिटॉन मिल गया, मुझे अब तक मिला नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है नेक्स्ट रिवॉर्ड होगा इतना, ठीक है। तो मुझे माइलस्टोन इतने 5000 करने पड़ेंगे पूरे, तब जाके नेक्स्ट रिवॉर्ड में मिलेगा वो क्रिस्टल। देख सकते हैं मेरा शाकिटॉन वाकिटॉन सब खुल गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और आपको अरेना की फाइट दिखाता हूँ। अरेना में जाता हूँ, कंटिन्यू प्ले अनदर, ठीक। तो यहाँ पे प्ले अनदर में, ओ यहाँ पे इनको हेल्प चाहिए लगता है। ये जख्मी हो गए, रिचार्ज अपग्रेड मुझे को समझ में नहीं आ रहा। रुको, ओ हेल्प सेंड कर दी मैं, अभी एक अलायंस में शायद मुझे हेल्प मिल जाए। ओ अभी ये लोग जख्मी हैं, तो मुझे लगता है इनसे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ये तो मेरे बिल्कुल अपग्रेड नहीं, मैंने तो उनको अपग्रेड ही नहीं किया था। मैंने तो कहा था कि मैं सिर्फ उन्हें अपग्रेड करूँगा जो मूवी में याद कराते हैं, शाकिटॉन और राइनोक्स। लगता है अब काम तमाम होने वाला है, एक्सेप्ट 3,750 यार, बोल भी नहीं पा रहा अच्छे से। अरे अब तो जीतना नामुमकिन है, इजी इजी इजी, तीनों इजी है। लेकिन मेरा, मैं वो इस बीच वाले को ले लेता हूँ, ये पहले वाले को लूँ, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मैंने पहले वाले को ये ले लिया है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी से लगा दिया ऑप्टिमस प्राइम को, यहाँ पे कोई भी लगा देता हूँ। रुको रुको यहाँ पे ये लगाऊंगा तो घाटा होगा, इसको नीचे कर देता हूँ, शाकिटॉन को इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। अब मुझे बस ऑप्टिमस प्राइम में एडवांटेज मिलेगा, और किसी में भी मुझे एडवांटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ घाटा ही घाटा है इसमें, मेरा घाटा होने वाला और कुछ नहीं। चलिए फाइट शुरू होने वाली है, तो देख लेते हैं अरेना में। मुझे लगता नहीं कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन ऑप्टिमस प्राइम थे तो मैं आराम से जीतूंगा। शाकिटॉन अटैक, शार्क अटैक, अरे शार्क अटैक तो गेम का नाम है। चलिए वो सब छोड़िए, यहाँ पे मैं इसको पीटना है। मैंने इसको शुरू कर दिया अपने पुराने स्टाइल में, और मैं भी थोड़ा पीछे से डैश डैश मार के करूँगा इनकी तरह। यहाँ पर ये देसी चाल ऑप्टिमस प्राइम चल रहा है, और मैं यहाँ पर अपना स्पेशल मूव लेके इसको ख़त्म। ये वाला जो ऑप्टिमस प्राइम है इसका स्पेशल मूव बड़ा वास, इससे अच्छा तो पुराने वाला ऑप्टिमस प्राइम का ये चीन मारता है पहले में, मज़ा दिला देता है। अब यहाँ पे मेरा राइनोक्स आएगा जो इसके सामने टिक नहीं पाएगा, और वो नो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लाइफ तो बिल्कुल एक एक करके ख़त्म हो रही है, और ये मुझे बहुत जल्दी हटा दे, ख़त्म कर देगा। मुझे लगता है कि मेरा काम बस होने ही वाला है तमाम। ओ नो नो नो, इसको हराना तो सच में बहुत मुश्किल है, मुझे धीरे धीरे करके इसको हराना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तोड़ने में उसने स्पेशल मूव मार दिया। मेरा भी स्पेशल मूव बस तैयार होने ही वाला है, और को मुझे लाइट अटैक मार के इस पर ये मारना पड़ेगा स्पेशल मूव। शिट 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 शिट, लगते मेरा काम तमाम होने ही वाला है। ओ शिट, ये मुझसे, मैं इससे कभी बराबरी में आता तो यो, चलो मैं इसके एक स्पेशल मूव से बच गया। अब मुझे, मैं इसको अपना स्पेशल मूव मुझे मारना पड़ेगा जल्दी जल्दी कैसे भी करके। नहीं नहीं रुको, मैं सेकंड वाला स्पेशल मूव इस पर मारूंगा, मैं यहाँ पे इसको मारूंगा इसको सेकंड। ओ शिट, इसने पूरा शील्ड कर लिया या क्या बकवास है। ओ नो, मैं बस मरने वाला हूँ, इसके बराबर तक ही पहुँच गई मेरी लाइफ भी। ओ नो 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 नो, इसके डैमेज ज़्यादा हो रहे हो। शिट, मेरी लाइफ इससे कम हो गई, माफ़ करिएगा। वो APS गेमिंग की वजह से वो ढक चुका है, लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा मेरा क्या हाल हो रहा है वहाँ पीछे। इसकी 15 है तो मेरी भी शायद 14 या 13 ही बची है। उन दोनों मेरी और कम हो रही है, इसकी लाइफ भर रही है धीरे धीरे करके, आप देख सकते हैं ना, मैं इसकी लाइफ कम करने की। ओ नो, मेरे 7% ही बाकी है सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, अभी 10% थोड़ी सी बढ़ गई मेरी लाइफ, पता नहीं कैसे। ओ मेरे यहाँ पे मूव ख़राब कर, मेरी अब 60% बाकी है सेफ लाइफ दोस्तों, और मैं बिल्कुल बच बच के, आप देख सकते हैं धुआं मेरे में निकल गया। ओ नो, इसकी लाइफ भर रही, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसकी, बस 2%।
वो APS गेमिंग को जैसे ढक गया, वरना मेरी लाइफ एकदम 7% हो गई थी और मेरा बस हारना तय हो गया था बिल्कुल। अब अभी शाकी टाउन से मेरे पास भी है ये, ठीक है। ओ नो, मैं तो हारूंगा, ये तो बहुत खतरनाक है। अरे यार ये तो मैंने तो उधर बिल्कुल ही अपग्रेड नहीं किया। ओ शिट, इधर पेल रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसको आके दम तक हराऊंगा, क्योंकि ये मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड में मैं हार नहीं मानता। अरे यार इसने तो आधी लाइफ कर दी, रुको अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली जलवा क्या होता है। अब मेरे अंदर साउथ इंडियन हीरो का जज्बा घुस गया और मैंने यहाँ पर इसको मूव मारूंगा, स्पेशल मूव। आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इतना कम होने के बाद भी मैंने उसको अपनी लाइफ तक के बराबर कर लिया है। ये शाकी टाउन का यही है कि बहुत फुर्तीला, ये सच में तगड़ा है, ये मुझे लग रहा है घटिया, लेकिन ये बहुत तगड़ा शाकी टाउन है। मैं इसको लगातार अंधाधुंध पीट रहा हूँ इसकी फुर्ती की वजह से, ये बहुत तगड़ा है। ओ मैंने लगता है मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और मैंने इसको स्पेशल मूव के साथ ख़त्म कर दिया, क्या बात है, मज़ा आ गया। ये थोड़ी ये जो फाइट थी इसमें तो दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने ये ऐसे बॉट से जो बिल्कुल भी अपग्रेडेड नहीं थे, मैं एक और सीरीज़ जीत गया, लेकिन मैं एक और सीरीज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे सारे बॉट्स अभी व्यस्त थे, मतलब कि सारे के सारे अभी वो डैमेज होने, हील होने के। इतने ह्यूमन आर यू लाइकिंग द गेम, ये कहते हैं पैड है ना सारे, नहीं यही चाहिए। ये क्या हो रहा है इसका, नो थैंक्स प्लीज़ गो गो गो। तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको कैसा लगा मेरा गेम प्ले, कैसा लगा मेरी आखिरी की जीत, माफ़ करिएगा। तो इस वीडियो के इतना ही, बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।